ये क्या? नहीं, इस ट्रीटी ने तो मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं, और इस वर्ल्ड वॉर वन के बाद तो मुझे कई सारे देश इतनी आसानी से जीने नहीं देंगे। ऐसा क्या? ये आवाज कैसे? हेलो, ये मैं हूँ, तुम्हारे अंदर की आवाज। युद्ध शुरू करने का वक्त आ गया। ये क्या है? नहीं, नहीं, बाप रे, बचाओ मुझे, नहीं। मुझे बहुत खुशी है कि ये युद्ध खत्म हो गया और मेरे दोस्त नहीं हारे। ये हमारी जीत के नाम। Cheers. और जो नहीं जीते उनको भी cheers. मुझे ये ट्रीटी और इसकी शर्तें बिल्कुल मंजूर नहीं है। खैर, तुम्हें हमारी शर्तों को मानना ही होगा जर्मनी। ये युद्ध तुमने ही शुरू किया था, तो अब भुगतना भी तो तुम्हें ही पड़ेगा ना। लेकिन 33 बिलियन, कोई शक? और हाँ, मेरे मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते, पर अब हथियार नहीं। क्या? सही सुना, तुम्हें अपने हथियार डालने होंगे और अपनी सेना को भी कम करना होगा। और हाँ, पोलैंड भी अब आजाद है मेरी तरह। पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया आजाद हुए। इसके लिए हम तुम्हारी जमीन लेंगे और साथ ही रशिया की भी और उसकी जमीन भी। ये कहावत याद है, मरता क्या ना करता, साइन करो। ठीक है, क्या करूं, मरता क्या ना करता। मैं जा रहा हूं गाइस, बाय बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखो। सर, अब क्या करें? ये युद्ध तो हम जीत गए। क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि आखिरकार ये युद्ध हुआ ही क्यों? ये सही नहीं हुआ, मेरा क्षेत्र मुझसे छीन लिया, अब मैं हथियार नहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा, और तो और मुझे इतना सारा कर्जा भी चुकाना है। लगता है एक और युद्ध करने का समय आ गया। मेरे मन की आवाज क्या है तो सही रही है, मुझे अपनी सेना तैयार करनी चाहिए। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, किसने कहा ये? ऐसी हालत में आर्थिक मंदी, आक्रोश लोगों की भावनाओं को भड़काने का मौका प्रदान करते हैं। मेरी अंतरात्मा, तो तुम कह रहे हो कि मैं अपने नागरिकों की नाराजगी और निराशा का फायदा उठाऊं? नहीं, ये हमारे क्षेत्र को वापस पाने और हमारे जर्मन नागरिकों की भलाई के लिए है। क्या हमारे नागरिक इसका विरोध नहीं करेंगे? नहीं, लेकिन हमें चाहिए और ज्यादा जमीन, सबको हरा के, ताकि जर्मन वासियों को उनमें बसा सके। इस तरह बनेगा नया जर्मन साम्राज्य। समझ नहीं आ रहा है, वो ट्रीटी हमारे साथ ही। तो सुनो, शुरुआत के लिए तुम उनसे कहो कि तुम कर्जा नहीं चुका सकते, उनसे बहाना बनाओ, हमारे यहाँ महंगाई बढ़ गई है। सब कुछ काफी महंगा तो हो गया है, वैसे तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है। कोशिश करो, पूछने में क्या जाता है। सही कहा। सुनो दोस्तों, मैं जर्मनी, कैसे हो? युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे लाए हो? अब क्या कहूँ, फिलहाल जर्मनी में हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो हालात अच्छे ही कब थे? वो मैं सोच रहा था कि क्या हम पेमेंट प्लान बदल सकते हैं। देखो, हम ऐसा कर तो देते, लेकिन क्या है ना कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के हालात चल रहे हैं, समझे? अच्छा, मेरा आइडिया सुनो, मैं तुम्हें लोन दूंगा और तुम उससे अपना कर्जा चुका देना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम लोन चुकाने के लिए मुझे और लोन दे रहे हो। मेरे पास राशन पानी खरीदने के पैसे नहीं है। अरे, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है, शांत हो जाओ। तुम सबको तो मैं मजा चखाऊंगा। जब देखो चिल्लाता ही रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? देखा, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है हमारे प्लान की, मुमकिन है कि किसी को खबर ही ना हो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें देश की कमान मुझे देनी होगी। और अब फिर तुम क्या करोगे? बस थोड़े भाषण दूंगा, कम्युनिस्टों की बुराइयां करूंगा, फैशिज्म की अच्छाइयां बताऊंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। इस तरह हम अपनी जनता को एक साथ ला पाएंगे और एक नए साम्राज्य की शुरुआत करेंगे। तुम तैयार हो? ठीक है, मुझे लगता है कि तुम ये क्या? मैं सपना देख रहा था। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? पार्लियामेंट को क्या हो गया? नहीं, अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ हालात गर्मा गर्म हो गए हैं। तुमने ये क्या कर दिया हिटबॉल? मैंने हमारी जनता को हताशा और दुश्मन के डर को खत्म करने के लिए अहिंसा को छोड़ हिंसा का रास्ता दिखाया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तुमने तो कहा था कि मैं क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि जर्मनी मजबूत देश बने? जर्मनी के लोग नफरत की वजह से एक हो गए हैं, पूरा विश्व जलेगा। ये सही नहीं है, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ भाषण दो। तुम कमजोर हो, तुम इसे मजबूत राष्ट्र नहीं बना पाओगे, लेकिन मैं बनाऊंगा।
नहीं, रुक जाओ। नहीं। हेलो, दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया को देखा है क्या? तुम्हें उससे क्या काम है? वो मेरे दोस्तों के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा। मैं उसी के बारे में करने आया था क्या बात? लेकिन ऐसा हुआ कब? उम्मीद है कि तुम दोनों शांति के बारे में चर्चा करोगे। हाँ बिल्कुल, मैं तो शांत ही रहता हूँ। चलो मान लेता हूँ, चेकोस्लोवाकिया एक नंबर गया है। तुम्हें लगता है कि इस आर्थिक मंदी का जर्मनी पर असर हुआ है? तुम्हारा मतलब कि आर्थिक हालातों के कारण वहाँ की जनता में अशांति फैलना? खैर इसी कारण जर्मनी के हिंसक और नस्लवादी तानाशाह वहाँ की जनता को बहला पा रहे हैं। सही कहा। तुम्हारे देश में नेटिव जर्मन्स रहते हैं, उन्हें हमें दे दो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझ पर हमला कर दिया, छोड़ा मुझे। सुडेटनलैंड मुझे मिल गया, अब जर्मन्स जर्मनी का हिस्सा होंगे। अरे नहीं, मैं जानता था तुम कमजोर हो, तुम्हारा गठबंधन तुम्हारी ही तरह कमजोर है। मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा सही होता हूँ, और अब तुम देखोगे असली ताकत जर्मन मिलिट्री की। नहीं ऐसा मत करो। ये पहले भी हमारा क्षेत्र था और अब फिर से हमारा हिस्सा बनेगा। नहीं ऐसा मत करो, रशिया के बारे में तो सोचो, उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी बात तो सही है, पर मैं उसे पेश कर सकता हूँ एक डील। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या विचार है तुम्हारा? मैं तो बस इतना सा छोटू सा क्षेत्र रखूंगा और तुम बड़े हिस्से को रख सकते हो। देखो डील तो काफी अच्छी है, लेकिन मैं ये कैसे मानूं कि तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे? उसके लिए हम शांति संधि पर साइन कर सकते हैं। ठीक है तो डील डन समझो, लेकिन हम दूसरे देशों से क्या कहेंगे? खैर उन्हें बताना मत कि हम पोलैंड के हिस्से करने वाले हैं। अच्छा तो तुम पोलैंड पर हमला कब करोगे? मुझे पता नहीं, शायद दो दिन। क्यों इतनी जल्दी? मैं तो तैयारी करने चला हूँ। तुम ठीक नहीं कर रहे हो हिंबॉल। तो मुझे पोलैंड पर हमला नहीं करना चाहिए ताकि ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई ना हो? अभी अभी बस एक वॉर खत्म हुई है, हम एक और वॉर के लिए तैयार हैं। हमें पोलैंड में फंसे जर्मन भाइयों की मदद करनी होगी, और मुझे नहीं लगता कि ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है तो ये है हम सबके बीच में एक डिफेंसिव पैक्ट। तो अब अचानक किसी ने तुम पर हमला किया तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं। शुक्रिया दोस्तों, मेरे सेना में बहुत सारे घोड़े हैं, मेरी घुड़सवार सेना के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। सही कहो, घुड़सवार सेना काफी शानदार है। अभी भी हमला करने के बारे में सोच रहे हो? क्या तुम चुप रहोगे? मुझे सोचने दो इसके बारे में, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मेरे सामने मुस्कुराओ मत, मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हें लगता है कि मैं डरता हूँ? ठीक है अब देखो डर क्या होता है। मैं आज हमला करूंगा, लेकिन हम दोनों अलग अलग होंगे उनके लिए। मैं समझ गया। मैं इंतजार करूंगा। जर्मनी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कोई नहीं हरा सकता। जर्मनी तुमने ये क्या किया? अब हमें तुम्हारे साथ युद्ध की शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से वही सब करना पड़ेगा। तुम कभी नहीं सुधरोगे। क्या सच में तुम इस युद्ध की शुरुआत कब करना चाहोगे? फिर हमारी सेना को तैयार करने के लिए हमें कुछ महीने तो लगेंगे। अब ये कहाँ से आ गया? अरे वाह मजा ही आ गया। खैर मैं तो यहाँ से चला। हम तो चले तो कुछ महीनों बाद मिलेंगे। खैर इसकी उम्मीद तो नहीं की थी। क्या ये हमारे कारण हुआ? शायद ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ये हिट बॉल तो सिर फिरा निकला। हाँ उसने हिंसा का रास्ता दिखाकर पूरे देश को अपनी तरफ कर लिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। वो कितना चिल्लाता है। उम्मीद है कि जब तक हम अपनी सेना को तैयार करते हैं तब तक ये सिर फिरा इंसान कुछ गड़बड़ ना कर दे।